अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर। हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अपेक्स यूनिवर्सिटी। दिस इज सिचुएटेड इन राजस्थान, द स्मार्टेस्ट सिटी इन इंडिया, जयपुर। ओके, तो जयपुर के अंदर ये कॉलेज है और इसके बारे में कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई रिसीव द मेनी मेनी क्वारीज फ्रॉम रिगार्डिंग दिस कॉलेज कि भैया दिस कॉलेज इज जस्ट लाइक व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द प्लेसमेंट। सो यार, कॉलेज की अगर अपन बात करें तो दिस इज एन प्राइवेट टाइप ऑफ कॉलेज एंड दिस इज स्टार्ट इन 2018 के अंदर ये कॉलेज स्टार्ट किया गया है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड 27 एक्ट जो भी होता है उसके अंदर 2018 के अंदर जो कॉलेज स्टार्ट किया गया था। कॉलेज आर प्रोवाइडिंग द मेनी मेनी कोर्सेस एंड बीटेक एंड बीएससी बीसीए, ठीक है, मेनी मेनी कोर्सेस आर प्रोवाइडिंग एंड दिस इज इन जयपुर। ओके, सो इसके बारे में योर एडमिशन प्रोसेस बेसिकली दिस इज स्टार्ट इन दिस ईयर दिस लाइक सीयूईटी बेसिस और जेई मेन बेसिस और लाइक डायरेक्ट बेसिस एंड दिस कॉलेज रिसीव्ड द एप्लीकेशन एट लीस्ट 3 LPA+ गाइस, ठीक है। So just like many, just demand of this university is very high and just like university conducting the many many seminars on YouTube and just like some days I seeing that. So student का यार basically एक question है कि भैया ये कैसा college है और placement कैसा होता है और just like infrastructure कैसा है और क्या हमें यहाँ पे admission लेना चाहिए और हमारी life journey कैसी होने वाली है और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या feedback है, क्या review है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं भैया। और जस्ट लाइक आई रिसीव्ड मैनी मैनी मैसेज एंड कॉल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बिकॉज आई अप्लाई दिस यूनिवर्सिटी इन सीयूईटी। सर बेसिकली जो है आपने जिन भी यूनिवर्सिटियों को अपने सीयूईटी फॉर्म में सेलेक्ट किया था, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सो जो है वो लोग आपको कॉल करेंगे कि हमारे पास ये फैसिलिटीज है, हमारे पास ये प्लेसमेंट है, आप जो हमारे कॉलेजों में अप्लाई कीजिए। अगर अपन इनकी वेबसाइट पर विजिट करके देखें और इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया अपने यूट्यूब चैनल पर भी हमारे पास 300,000+ LPA applications आए हैं from the COET. So many many congratulations for this college, just like teachers and directors. Okay, so यार placement का अगर अपन देखें तो this is an started from 2018. So this first phase almost if start in 2018, we take then last 4 years is 2021. Okay. अगर यार मैं अपन रियलिटी की अगर अपन बात करें तो जस्ट लाइक दिस इज एन ग्रोइंग कॉलेज। ओके, एंड आई कंसल्ट मैनी मैनी स्टूडेंट्स एंड लास्ट इन द लास्ट कुछ महीनों पहले मैंने कुछ स्टूडेंट से फीडबैक लेके एक वीडियो डाला था छोटा सा, ठीक है, जस्ट लाइक मैं जब हॉस्टल रूम में रहा करता था कॉलेज में। तो जस्ट लाइक आपको मैं बताऊं तो यार इसके रिगार्डिंग जो है जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे जो कॉलेजेस होते हैं उनके खिलाफ क्या होता है मैं जो रिस्पॉन्स रिसीव होते हैं वो कि भैया ये अच्छा कॉलेज नहीं है, यहाँ पे मत आना, यहाँ पे पढ़ाई मत करनी। लेकिन ये जो कॉलेज है इसके रिगार्डिंग जो है जो फीडबैक है दिस इज रिसीव वेरी पॉजिटिवली एंड स्टूडेंट्स आर जस्ट लाइक वेरी सेटिस्फाइड एंड जस्ट लाइक दिस इज सिचुएटेड इन स्मार्टेस्ट सिटी जयपुर। अगर अपन प्लेसमेंट की बात करें तो यार जस्ट लाइक बीटेक के प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं डाल रखा है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। अगर अपन इनकी वेबसाइट वगैरह पे चेकआउट करोगे आप लोग तो जो है यहाँ पे इन लोगों ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रखा है रिगार्डिंग द प्लेसमेंट एंड अदर की हमारा कितना प्लेसमेंट होता है। हालांकि अगर अपन इनके कैंपस की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको लस ग्रीन कैंपस देखने को मिलता है। इनकी जो बिल्डिंगें हैं वो काफ़ी अच्छी है बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक न्यू 2018 के अंदर ओपन हुआ है तो जस्ट लाइक न्यू जनरेशन का ही कॉलेज है। यार कल्चरल एक्टिविटीज जो है काफ़ी ज़्यादा कंडक्ट की जाती है यहाँ पे तो जस्ट लाइक आप कंसिडर करने टाइप आप मान सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अब यार जस्ट लाइक मैं आपको उतना तो नहीं बता सकता और आजकल यूट्यूब पे मैं किसी के बारे में उतना बोल भी नहीं सकता बिकॉज जस्ट आप समझ सकते हो पहले भी मैंने बहुत सारी जगह आपको बताया मेरा जो रीजन अभी तो चल रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यार इन लोगों ने जो है अपनी वेबसाइट पे या फिर न्यूज़ वगैरह में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट हुई है स्पेशली मैनेजमेंट एंड अदर से जस्ट लाइक इन्फोसिस विप्रो एंड अदर जस्ट लाइक कॉलेजों के अंदर अपेक्स के जो प्लेसमेंट है, ठीक है, जस्ट लाइक MBA हेरियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनकी वेबसाइट पर भी मैं भी कुछ देख रहा था। TCS के अंदर भी कुछ स्टूडेंट का लोगों ने डाल रखा था। ऑफिशियली जो है प्लेसमेंट का तो मुझे कुछ दिखा नहीं कि हमारा इतना लाख प्लेसमेंट हुआ है। हालांकि जो है यहाँ पे जो भी MBA वगैरह जो कोर्सेस होता है उनका प्लेसमेंट हो गया। बीटेक के रिगार्डिंग तो एक तो अपडेट आना ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो फर्स्ट बैच था,
ठीक है, फर्स्ट वेव 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ, बीच में कोविड आ गया 2020 और 21 के अंदर, तो काफ़ी सारे बच्चे तो यार उसी की वजह से ही रह गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे घर पे रहते थे, ठीक है, तो काफ़ी कम ही IITs के अंदर भी प्लेसमेंट वगैरह में काफ़ी कम बच्चे बैठ पाए, कंपनियाँ जो लॉस में चल रही थी, न्यू एम्प्लॉयज को ज्वाइन ही नहीं किया, रिक्रूट हुई नहीं, सो इस कारण जो है बहुत सारे कॉलेजों की अपडेट नहीं है 2021 की, और इसके रिगार्डिंग भी ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं आई है बीटेक के प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन अगर अपन अदर कोर्सेज के प्लेसमेंट की बात करें तो यार काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है, ROE रेशियो जो है इसका मुझे जो जहाँ तक पता चला है स्टूडेंट के द्वारा वो काफ़ी अच्छा है। ROE रेशियो का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जितना रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी को जितना फीस दे रहे हो उसका जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है जितना आप लगा रहे हो, मान लो आपने 5 लाख रुपये डाला है यहाँ पे, तो आपको आने वाले 1.5 साल के अंदर आप जितना 5 लाख तो कमा लेना ही चाहिए। अगर उससे आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कमा रहे हो, आपकी जो सैलरी मिल रही है उसको हम बोलते हैं ROE रेशियो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जितनी फीस पे कर रहे हो, मान लो आपने अगर IIT खड़गपुर में 16 लाख रुपए पे की है, तो ये जरूरी है कि अगर आप 16 लाख रुपए आफ्टर द कंप्लीट द बीटेक आने वाले 1.5 साल के अंदर आप कमा लेते हैं तो जो है उसको आपका ROE रेशियो कंसिडर किया जाता है, राइट। सो इस प्रकार से इसका जो ROE रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है यार, CUET के बेसिस पे इस बार ये लोग एडमिशन ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ सालों से इसके जो डिस्काउंट्स है वो काफ़ी कम मिले हैं, न्यू कॉलेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। हालांकि इनिशियल फेज की अगर मैं बात करूँ तो अभी जिस प्रकार से स्टूडेंट के फीडबैक मिले हैं और जिस प्रकार से एकदम नया कॉलेज है 2018 के अंदर, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हमने देखे हैं जहाँ पे 1-2 एडमिशन भी नहीं होते, मतलब 20-20 एडमिशन कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन CUET के अंदर 3 लाख एप्लीकेशन रिसीव होना, दिस इज़ एन वेरी वेरी जस्ट लाइक आप मान सकते हो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। हालांकि 3 लाख सारे लोग एडमिशन नहीं लेते, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव होना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कॉलेज के लिए, तो कॉलेज को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हो रही है, लोग जो है स्टूडेंट को बहुत अच्छा ट्रेंड करें, मैं यही शुभकामना देता हूँ कॉलेज वालों को, और यार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टूडेंट का जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा मिला है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, और जस्ट लाइक आपको जो भी कॉलेज का रूम्स वगैरह है वो नॉर्मल है, ठीक है, जस्ट लाइक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप समझ सकते हो, कॉलेज की जो बिल्डिंगें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, वाईफाई आपको वहाँ पे मिल जाता है, रील्स वगैरह भी बना सकते हो आप लोग, तो इस प्रकार से सारा है यार। जस्ट लाइक बड़ा कंसर्न ये है कि बीटेक के रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं मिल पाया ड्यू टू जस्ट लाइक न्यू स्टार्टेड, लेकिन हाँ अगर अपन बात करें जस्ट लाइक जो भी आपके मैनेजमेंट वगैरह के जो कोर्सेस हैं उनके प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जो है यूनिवर्सिटी एंड आपको अदर प्लेटफॉर्म पे जो है आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। एंड एक आपको एक बड़ी अपडेट देनी थी रिगार्डिंग द स्पेशली प्राइवेट कॉलेजों के, कि आपको जो क्यूरा पे जो आपको अपडेट मिलता है कि भैया ये कॉलेज ऐसा है, इसके इतने ज़्यादा वो है फीडबैक रिव्यूज है, इतने पॉजिटिव रिव्यूज है, तो आप जो इसके थोड़ा सा सावधान रहे, बिकॉज आजकल जस्ट लाइक डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, सब कुछ सारा का सारा मामला डिजिटल चल रहा है, तो वहाँ पे जो है आप लोगों के साथ बहुत सारे ग्लिच होते हैं स्पेशल यूनिवर्सिटियों के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा, जैसा आपको लसग्रीन हरियाली देखने को मिलती है वैसा रियल में होता नहीं है। तो यार ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि भैया आप इसके तारीफ़ें किए जा रहे हो, आप हमेशा गलतियाँ निकालते रहते हो, तो दिस आई रिसीव द वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड लास्ट 2 डेज आई रिसीव मेनी क्वारीज फ्रॉम द स्टूडेंट रिगार्डिंग दिस कॉलेज, सो आई क्रिएट दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस एंड दिस इज आई थिंक वेरी गुड कॉलेज। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं देन यू कैन विजिट द कॉलेज ऑफलाइन, चेक द ऑल द डिटेल्स, चेक द प्रोग्राम फीस डिटेल, चेक द कोर्सेज डिटेल, देन गेट द एडमिशन, ओके। और जस्ट लाइक हेल्पलाइन नंबर वगैरह पे ऐसे कॉलेज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा हर कॉलेज के लिए, हर प्राइवेट कॉलेज के लिए, आप वहाँ पे जाइए पर्सनली, विजिट कीजिए, देखिए सारा माहौल कैसा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, अपने सीनियर से मिल रही है, उसके बाद जो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन अगर मैं मेरे ओपिनियन से बताऊं तो ऑलमोस्ट अगर अपन जिस प्रकार से देखें कि 2018 से स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक आप ग्रोइंग जो पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा है, और इतने साल के अंदर काफ़ी नया कॉलेज है, और इतना नया कॉलेज होने के बाद अपनी ऐसी रेपुटेशन बना पाना ये एक बहुत ही बड़ी बात है फॉर द एजुकेशनल एंड दिस एरिया। एंड राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर के अंदर काफ़ी जस्ट लाइक
उतना ज़्यादा नाम तो नहीं है, ठीक है, आप सोशल मीडिया वगैरह पर चेक करोगे या फिर जस्ट लाइक अदर एरियाज तो और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन ये अपने आप को ज़्यादा जस्ट लाइक फुर्सअप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो जस्ट आप भी सपोर्ट करिए, हम भी सपोर्ट करेंगे और कॉलेज वाले भी आपका सपोर्ट करेंगे, तो इस प्रकार से बढ़िए आगे और जस्ट लाइक बढ़ाइए राजस्थान को गाइज। थैंक यू सो मच, खूब बढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो और मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है, थैंक यू।